Hello everyone, my name is Purnima Sharma. I'm BPT final year student and welcome back to my channel Physio AIM. And for those who are new here, very warm welcome on my channel Physio AIM. So, कैसे हैं आप लोग? इतना टाइम का जो गैप रहा आपके और मेरे बीच में, पढ़ाई की कि नहीं आप लोगों ने? आई होप कि अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, बिकॉज बीपीटी के एंट्रेंस की डेट आ चुकी है. मोस्टली लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ, बीपीटी के एंट्रेंस की डेट आ चुकी है. ठीक है, और मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ वो तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, जामिया के बारे में. ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया की बीपीटी की एंट्रेंस की डेट आ चुकी है. ठीक है, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी की, और साथ ही एमपीटी मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी की भी एग्जाम डेट आ चुकी है, एंट्रेंस एग्जाम डेट. ओके, बीच में काफी ज्यादा न्यूज ऐसी आ रही थी कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, तो काफी लोग मुझे डीएम कर रहे थे, बट मैं थोड़ा बिजी थी तो मैं इस वजह से लोगों को रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही थी वीडियो बना के. बट जो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, उन्हें रिप्लाई भी किया कि हाँ, डेट जो है आपकी पोस्टपोन हो चुकी है. सो अगर आप लोगों ने अब तक मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए. पहले तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं बताती हूँ डेट का, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम बता दिया बहुत है, अब मैं और एंट्रेंस एग्जाम बताती हूँ आप लोगों को. बट मेरे को इतने सारे लोग पूछ रहे थे कि एंट्रेंस एग्जाम डेट बता दीजिए, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए एंट्रेंस एग्जाम की डेट को लेकर. हाँ, डेट बहुत पहले आ चुकी थी और मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा नहीं ज्यादा कह सकते हैं टाइम लग गया मेरे को वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को ऑफिशियली बताने के लिए. As you all know, मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी. सो हाँ, मेरे एग्जाम्स काफी टाइम पहले खत्म हो गए थे, ठीक है, बट उसके बाद सब प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और जब सब एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स ये सब खत्म हो गए तो फिर मैं अपने घर आ गई. फिर मुझे घर में सेटल होने में थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा क्या ज्यादा ही टाइम लग गया. फिर घर के काम तो आप लोगों को पता ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब पिछले 4-5 दिन से मैं सोच रही थी मैं वीडियो बनाती हूँ, बट फाइनली आज मैंने सोचा कि अब नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे लेट नहीं करना, मुझे वीडियो बनानी है. तो फाइनली आई एम बैक विद नो मोर डिस्ट्रिक्शंस. जो इतने टाइम में घर पे बैठी थी वो मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं आप लोगों के लिए अपना कंटेंट को इम्प्रूव कर रही थी. ठीक है, आपका जो बीपीटी और एमपीटी के जो एंट्रेंस एग्जाम है, मैं उनके कॉलेजेस सर्च कर रही थी कहाँ कहाँ पे कैसे एग्जाम्स और होते हैं, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं. ठीक है, कौन से स्टेट है, यूनिवर्सिटीज है जो अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है या जो डायरेक्ट एडमिशन होता है, क्योंकि काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि डायरेक्ट एडमिशन जिन यूनिवर्सिटीज में होते हैं मुझे उनके नाम बता दीजिए. सो फाइनली मैं मतलब की बात बैक टू बैक वीडियोस आप लोगों को देने वाली हूँ बीपीटी और एमपीटी से रिलेटेड. ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर क्या रहे हो भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि सबसे पहले आप लोगों को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिले. मैं आपको कुछ हिंट दे देती हूँ अभी से, जैसे आपका पंजाब हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, आपका गुजरात हो गया, जो ये स्टेट्स है इनमें मैंने मतलब सारे कॉलेजेस ढूंढ रखे हैं आप लोगों के लिए. ठीक है, अदर स्टेट है उनमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो उन सब पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे और वीडियोज में. ठीक है, इस वीडियो में नहीं जाने वाले, और वीडियोस में. सो फिर किस बात की है, हाँ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है. बस एक सेकंड लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं वीडियोस और बनाऊं. सो बैक टू बैक आप लोगों के लिए वीडियोस आने वाली है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए. सो फालतू में और टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों का, हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, सो यस, बीपीटी और एमपीटी एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ चुकी है. आर यू एक्साइटेड? बोलो एक्साइटेड क्यों होंगे, टेंशन हो रही है, पेपर आने वाला है ना. तो यस, हाँ, लेकिन ज्यादा टेंशन मत लेना, कुछ भी इतना हार्ड नहीं आने वाला है, बस अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखना है. ठीक है, ज्यादा अगर जितना टेंशन लेके पढ़ोगे उतनी ही प्रॉब्लम आप लोगों को होगी. सो स्ट्रेस फ्री पढ़ना है. ठीक है, कैसे पढ़ना है, जस्ट स्ट्रेस फ्री, जितना हो सके पास्ट ईयर पेपर लगाओ और एनसीईआरटी से. ठीक है, क्या करना है आपको, सिर्फ एनसीईआरटी पे करना है, लास्ट मोमेंट पे कहीं इधर उधर मोटी मोटी जो मॉड्यूल्स होते हैं, बुक्स होते हैं, उनकी तरफ आपको नहीं जाना है, सिर्फ अपनी एनसीईआरटी को प्रेफरेंस रखना है. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीटी के बारे में. ठीक है, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी की एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्या है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया ने बताई है ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे. सो एग्जाम डेट है आपकी 27th. क्या है? 27th जून. इसी मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है. यस, इसी मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है और एग्जाम डेट है 27th जून. ओके, क्या है? 27th जून. और अब बात करते हैं हम लोग टाइमिंग की. ठीक है, सो टाइमिंग आपका दोपहर का रहेगा. ठीक है, दोपहर के स्लॉट में, नून के स्लॉट में आपका टाइमिंग है 1 hour 30 minutes का आपका पेपर होने वाला है. बस 1.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है. पेपर आपको दे करके आना होगा. ठीक है, ऑनलाइन पेपर नहीं है ये, मैं पहले ही बता चुकी थी. आपका पेपर दिल्ली में होगा और आपको पेपर दे के आना पड़ेगा. ठीक है, सो एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए. ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन. और करना कैसे है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि सिर्फ 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ना है आपको. ठीक है, 11th से आपका 30-40% आता है, बाकी मोस्टली जो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके 12th क्लास से पूछे जाते हैं. ठीक है, कट ऑफ की अगर बात कर ली जाए तो मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ, ऊपर आई बटन पर लिंक दे रखा होगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं. ठीक है, और अगर रफली बात की जाए तो जो जर्नल बच्चे आउटसाइड दिल्ली के जो जर्नल है, मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ, 65-70%. ठीक है, 65-70% आपको स्कोर करना है. ठीक है, तभी आपका जामिया में एडमिशन होगा.
और अब हम लोग बात करते हैं पास्ट ईयर पेपर की। सो यस, पास्ट ईयर पेपर्स भी अवेलेबल हैं, मैं अवेलेबल करा दूंगी अगर आप लोगों के पास नहीं है तो। डेली मुझे 10 से 15 बच्चों के मैसेज आते हैं कि पास्ट ईयर पेपर दे दीजिए, तो मैं सबको देती हूँ। तो आप लोगों को अब तक किसी भी रीजन से पास्ट ईयर पेपर नहीं मिले हैं तो जल्दी से मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम करो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एमपीटी के बारे में, मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी है वो आपका 2 ईयर्स का होता है और सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, ठीक है। सो एमपीटी की जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से फील्ड में एमपीटी होता है, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी थी, ठीक है। ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे रखा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। सो जो एमपीटी है जामिया में, वो 4 फील्ड में होता है। पहला आपका कार्डियोपल्मोनरी, दूसरा आपका न्यूरोलॉजी, तीसरा आपका स्पोर्ट्स और चौथा है आपका ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है। सो ये 4 आपके जो फील्ड है इनके लिए आपको एमपीटी का एंट्रेंस एग्जाम देना है। सो फाइनली अब हम लोग बात करते हैं कि एमपीटी के एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्या है। सो एमपीटी के एंट्रेंस एग्जाम की डेट है 24 जून। कितनी है? 24 जून। एमपीटी का एग्जाम आपका बीपीटी के एग्जाम से पहले होने वाला है, ठीक है। एमपीटी के एग्जाम की डेट है 24 जून और बीपीटी के एग्जाम की डेट मैंने बताई थी आपको 27 जून। जो आपका एमपीटी का एग्जाम होने वाला है उसके टाइम स्लॉट की बात कर लेते हैं, तो एमपीटी के एग्जाम का जो टाइम स्लॉट है वो आपका मॉर्निंग में है। कब है? मॉर्निंग में। और जो बीपीटी का मैंने आपको बताया था वो बताया था नून में, ठीक है। बट दोनों के डे जो है अब अलग अलग है, जैसे कि मैंने आपको अपना प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेम डे पे है, बट नहीं, अभी थोड़े चेंज होने की वजह से जो दोनों की डेट्स है वो अलग अलग हो गई है, ठीक है। पोस्टपोन तो हुआ है, साथ में डेट्स भी अलग अलग हो गई। अब हम लोग बात करते हैं टाइमिंग की, ठीक है। सो एमपीटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका टाइमिंग है 10 AM to 11:30 AM। कितना है? 10 AM to 11:30 AM, ठीक है। और अगर आप लोगों को एमपीटी का पास्ट ईयर का पेपर चाहिए तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। अगर कुछ लोगों को नहीं मिला है, बाकी तो यूट्यूब पे सब अवेलेबल होता है, आप लोग देख सकते हैं। अगर नहीं मिला है तो आप लोग मुझे डीएम करिए, मैं आपको पेपर प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को जानना है कि सिलेबस क्या है एमपीटी का, ठीक है, एमपीटी मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी का, अगर आप लोग को सिलेबस जानना है एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट का, तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। और प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन सी बुक्स खरीदनी है, उस पर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, आप लोग उस पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, आप लोग चाहे तो ऑर्डर भी कर सकते हैं, वो आपके और एमपीटी के एग्जाम्स में भी काम आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर कोई फिर भी दिक्कत है, कोई डाउट है, आप लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली हर बच्चे का रिप्लाई देती हूँ, बस थोड़ा टाइम लग जाता है, बट मैं हर किसी को रिप्लाई करती हूँ। सो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पता है ना क्या करना है? डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।